गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूएई की लेटेस्ट अपडेट। हालांकि अभी अभी एक गुड न्यूज़ आ रही है। ये वीडियो जो है मैं वो रात में शूट कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कल की डेट में, यानी कल की डेट में एक गुड न्यूज़ आई है ICA वालों के लिए, ठीक है, ICA की तरफ से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनको पता है करना क्या है। तो इस वीडियो में आपको जो भी UAE से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो मिलेंगी और मिलती रहेंगी इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अपडेट है ये है NCEMA, यानी NCEMA की तरफ से, नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। इनकी तरफ से ये अपडेट दी गई है, जिसमें कि बताया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो मान्यता प्राप्त वैक्सीन है जो आप लोगों ने लगवा रखी है, यानी WHO से अप्रूव्ड जो भी वैक्सीन है उन लोगों ने लगवा रखी हैं, और उनके पास अगर रेजिडेंस का वीज़ा है, UAE का रेजिडेंस वीज़ा है, तो वो लोग अब UAE ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है। WHO से अगर अप्रूव्ड वैक्सीन आपके पास है, क्योंकि काफ़ी लोग जो WHO से अप्रूव वैक्सीन थे जिनके वीज़ा UAE रेजिडेंस के, वो लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये बताया गया है कि अब आप लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं जिनका रेजिडेंस वीज़ा है, ठीक है। साथ में आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आएगा जो कि ट्विटर हैंडल का है NCMA की तरफ से, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, वो बताया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जिम्बाब्वे, UAE अलाउ रिटर्न फॉर फुली वैक्सीनेटेड WHO अप्रूव्ड वैक्सीन होल्डर ऑफ वैलिड रेजिडेंस वीज़ा, जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है इन कंट्रियों से, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। वैसे जो हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं उनके आई थिंक मैंने नाम ले लिए हैं, ठीक है। बाकी के और नाम हैं, आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है वो खलीज टाइम्स में पब्लिश की गई है। आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस लिंक पर भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस ट्वीट को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे अगर आप जाएंगे और सर्च करेंगे, ये जो इनका NCEMA का जो ट्विटर हैंडल है, अगर आप उसे सर्च करेंगे तो आपको ये अपडेट वहाँ पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा खलीज टाइम्स का, आप वहाँ पर भी जाके इस अपडेट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। गाइज, जो नेक्स्ट अपडेट है वो कुवैत से रिलेटेड है, यानी इंडिया से कुवैत के बारे में है। अगर आप इंडिया से कुवैत जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसका भी स्क्रीनशॉट जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो ट्वीट किया है उसके साथ मैं आपको शो करूंगा और इसमें बताऊंगा कि इन्होंने बताया क्या। इसमें ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट के माध्यम से ये चीज़ बता दी है ऑलरेडी कि चेन्नई से कुवैत के लिए उड़ानों का संचालन सितंबर मंथ में एवरी संडे, यानी एवरी रविवार को ये फ्लाइट्स चेन्नई से आपको मिल जाएंगी। तो जो व्यूवर्स कुवैत के हैं जो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट ऐसा नहीं कि आते नहीं आते हैं, तो जो लोग कुवैत से हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि अगर आपका वीज़ा कुवैत का है, आप कुवैत ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप चेन्नई से एवरी संडे आप ट्रैवल कर सकते हो एयर इंडिया एक्सप्रेस से, ठीक है। ट्वीट आपको नज़र आ रहा होगा, आप ट्वीट भी देख सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है बांग्लादेश से रिलेटेड, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट साइड में नज़र आएगा जिसमें कि दिया हुआ है कि फ्लाइट फ्रॉम बांग्लादेश टू आबू धाबी ओपन ऑन 12 सितंबर, सेज इतिहाद एयरवेज। इतिहाद एयरवेज ने कहा है कि आबू धाबी के लिए बांग्लादेश से फ़्लाइट ओपन हो रही हैं 12 सितंबर से, यानी सितंबर 12 से, ठीक है। तो अगर आप बांग्लादेश से हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको ग्रीन जो भी अराइवल रजिस्ट्रेशन है उसको आपको करना होगा, ठीक है। आपको उसका QR कोड लेना होगा, साथ ही साथ आपके पास RT-PCR का टेस्ट विद QR कोड होना चाहिए। रैपिड टेस्ट भी आपका ज़रूरी है, तभी आप ट्रेवल कर सकते हैं। यानी ये जो रूल है ये सबके लिए हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी तक क्या था कि बांग्लादेश की जो फ्लाइट में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी इतिहाद एयरवेज ने बोल दिया है कि आप 12 सितंबर से ट्रेवल कर सकते हैं बांग्लादेश टू आबू धाबी। साथ ही साथ आपको जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं वो आपको लेना है। अगर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका के पास ICA का जो ग्रीन सिग्नल है उसका QR कोड आपके पास मस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा हो रहा, अभी धीरे 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 करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो यार ये कुछ अच्छी अपडेट थी आज की, मुझे अच्छा लगा बता के, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी छाट छाट के लोग अभी बचे हुए हैं। तो जो बचे हैं अब वो भी आ सकते हैं। विजिट वीज़ा के बारे में अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही है, वो भी मैं आपको एवरीडे देता रहता हूँ।
तो यार काफ़ी समय के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यूआई अपडेट का वीडियो बना रहा हूँ, तो साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नज़र डाल लेते हैं यूआई की कोविड सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। तो इसमें बताया गया है कि 744 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 961 मरीज ठीक हुए हैं और 3 मरीजों की इंतकाल यानी उनका देहांत हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोविड की सिचुएशन भी ठीक हो गई है और साथ ही साथ जो लोग नहीं आ पा रहे तो वो लोग ट्रेवल भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग जो भाई हमारे कुवैत जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वो लोग भी एवरी संडे आप चेन्नई से जा सकते हो, ठीक है। इस सितंबर मंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। और जो मैंने पहले आपको बताया कि जो चेंजेस हुआ है WHO की तरफ से, तो उस पर भी आपको ध्यान देना। अगर आपके पास WHO की वैक्सीनेटेड हैं विद WHO अप्रूव्ड वैक्सीन के साथ, तो भी आप 12 सितंबर से ट्रेवल करके UAE आ सकते हैं, ठीक है। तो यार ये आज की कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी अपडेट थी। वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आई होप होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।